उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए सीटों को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय। मित्रों समस्त ग्रुपों में डेट को लेके, फाइनल बहस को लेके, रिट कनेक्ट को लेके, रिट नंबर को लेके, डिसकनेक्ट को लेके, तमाम समस्याओं को लेके बार बार ग्रुपों में मैसेज किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं अनावश्यक ऑडियो अनावश्यक वीडियो डाल रहे हैं जो ग्रुप का मर्यादा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों को एक सप्ताह पहले ही अवगत करा दिया गया था कि आप लोग अनावश्यक ग्रुपों में मैसेज ना करिएगा और एक मैसेज के द्वारा हर ग्रुपों में अवगत आप लोगों को करा दिया गया था कि लगभग एक सप्ताह तक आप लोग फोन ना करिए। लेकिन लगभग 95% लोग इस बात को एक्सेप्ट किए माने, लेकिन 5% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फोन करने से बाज नहीं आते हैं और मैसेज तो उनका कार्य चलता रहता है। हर इंसान पे कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं और वो समस्याएं करीब करीब आप लोगों को अवगत करा दिया गया था पहले से ही, और अवगत कराने के बावजूद भी आप लोग मैसेज बार बार कर रहे हैं, ग्रुपों में कॉल कर रहे हैं। जो ये डिसिप्लिन आप बार बार खो रहे हैं ये ठीक नहीं। दूसरी बात मैं आप लोगों को आप लोगों के भावनाओं को कद्र करता हूँ कि समय लग रहा किसी ना किसी कारण बस कुछ ऐसे समस्याएं आ जा रहा है जो फाइनल बहस होने में लेट हो रहा है। इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस की वजह से लेट हुआ। दूसरी बात, जब हम लोगों का केस एडिशनल में आया अभी जल्द से जल्द, उसमें भी कोरोना वायरस की वजह से समस्या आया। कोर्ट बंद होना, पास ओवर होना, तमाम चीजें समस्या आया, इसलिए फाइनल बहस नहीं हो पाया। और जो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम था मैं उसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी शादी 2017 में हुआ था और 28 तारीख को हम इलाहाबाद में थे। लेकिन 28 तारीख को मेरी वाइफ का तबीयत ज्यादा खराब हुआ और तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिए और 28 तारीख को शाम को फर्स्ट बेबी का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ घंटा के बाद मैं वहाँ मौजूद नहीं था। इस केस के सिलसिले में फाइनल बहस करवाने के सिलसिले में हम लगे थे इलाहाबाद में थे। उस समय हमें वहाँ रहना चाहिए था गोरखपुर में, लेकिन हम नहीं थे, क्योंकि हम पहला प्राथमिकता इस केस को जिताने के लिए पहले से ही देते आ रहे थे। और 28 तारीख को एकाएक तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से 24 घंटा वेंटिलेटर पे गोरखपुर में रखा गया। लेकिन जो हालत है जरा सा भी सुधार ना होने की वजह से गोरखपुर से फिर रात्रि 29 तारीख को हमें लखनऊ आना पड़ा और यहाँ भी वेंटिलेटर से कल छुट्टी मिला है, आज ऑक्सीजन से छुट्टी मिला है, आज शाम से हालात सही हुआ है। इसलिए हम आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहें। समस्याएं बहुत ज्यादा समस्या था हम पे और इसीलिए तमाम हमारे याची भाई बहन फोन भी किए हैं, सही से हम बात नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा समस्या था कि हम बात करने के काबिल नहीं थे। तमाम लोग फोन भी कर रहे थे, फोन नहीं उठा पाते थे। तो वेंटिलेटर का मतलब एक तरफ से कोमा में ही चली गई थी मेरी बेटी और इस वजह से हम समय नहीं दे पाए। और अभी लगभग ठीक होने में 3 से 4 दिन लग सकता है। इसके बाद ही हम इस केस पे ध्यान दे पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है और शायद आप लोग मेरी मजबूरी समझेंगे। बाकी इस केस को इस स्थिति तक
पहुंचा दिए हैं कि सिर्फ 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 जीत ही मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बहुत ज्यादा इस केस में कोई समस्या अब नहीं रह गया है। लगभग लगभग दो वर्षों से जो संघर्ष किया गया है उसका परिणाम भी दिख रहा है। हम लोगों का सीट कंफर्म है, कैरी फॉरवर्ड पे स्टे मिल गया है, बस बस जीत ही जीत मिलना है मिलना है मिलना और उसी लिए हम घर नहीं जा पाए। सिर्फ फाइनल बहस करवाने के चक्कर में 28 तारीख को हम इलाहाबाद में थे, वहाँ 28 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। ये हमारा दुर्भाग्य था जब हमें वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन इस केस के नाते हम इलाहाबाद में थे। लेकिन फिर भाग उसकी बात अब नहीं है। कुछ शॉर्टकट में आप लोगों को हम बताना चाहें, जो मेरी परेशानी है वो आप लोगों को बता दिया गया। रही बात जिनका भी कोई भी समस्या हो रीट को लेके, कनेक्ट डिसकनेक्ट रीट नंबर या एनीवन, कोई भी समस्या होगा, सारी समस्याएं दूर होगा। फाइनल बहस होने के पहले पहले सारे रीटे एक होंगे। जो भी डिस्कनेक्ट हुए हैं या जिनको रीट नंबर नहीं पता है, रीट नंबर नहीं मिला है, ये तमाम जो भी समस्याएं हैं, जैसे हम तीन चार दिन में यहाँ से राहत मिलता है हमको, फिर हम अपने कार्य में लग जाएंगे। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य इस भर्ती को फाइनल करवाना है और हमारी पूरी कोशिश है और हमेशा से रहता हुआ आया है कि जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना, उनको वर्दी दिलाना। इसीलिए हमेशा हम 24 घंटा इस भर्ती के लिए वर्क करता आ रहा हूँ, करूँगा जब तक सभी भाइयों को नहीं दिला देता। ये मेरी बात कोई मिथ्या समझे वो अलग बात है, लेकिन हमेशा से हम सच्चाई का कार्य किया है और इसीलिए हम लोगों को शुरू से आज तक सफलता मिलता आया है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है और जब तो एकाएक समस्या आया है, इस समस्या का समाधान भी हो चुका है, क्योंकि वो करीब करीब 80% ठीक हो चुकी है बच्ची। तो 10-20% है, 3-4 दिन में वो भी ठीक हो जाएगी और फिर हमको यहाँ से फिर इलाहाबाद शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर हम कार्य में लग जाएंगे। और दूसरी बात हमारे कई साथी, सबसे हमारे एक तरफ से समझिए कि हम ही हैं इलाहाबाद में, हमारे भाई पंकज भाई हैं वहाँ, जो भी संभव होता है वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हम हमेशा समाचार ले रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमारे जूनियर अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ताओं से 24 घंटा में लगभग एक बार बात हो ही जाता है। तो जो हो सकता है वो प्रयास चल रहा है, भले हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है वैसे आप लोगों को, जब हम नहीं दे पाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। बस आप लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि इस दुख की घड़ी में आप लोग इतना सहयोग करिए कि ग्रुप में शांति बना के रखिए और लगभग 3-4 दिन तक फोन मत करिए। बाकी कोई भी भाई बहन छूटने नहीं पाएगा, जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर कर लिया जाएगा और फिर फाइनल बहस होगा। क्योंकि अब एक बहस में तो सब कुछ क्लियर होने वाला नहीं है, कम से कम दो बहस होगा, दो बहस, क्योंकि जो समस्याएं हैं पहले वो बहस एक बहस में सही कर लिया जाएगा, फिर एक फाइनल बहस के लिए एक टाइम बांट कर दिया जाएगा कि मतलब इस टाइम में इस दिन फाइनल बहस होगा। तो आप लोग परेशान न रहिए, हमारा केस नॉमिनेटेड हुआ है, एफसी त्रिपाठी जी के यहाँ ही रहेगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा और लगभग 2 वर्ष हो ही चुके हैं, 20 बहस हो भी चुका है और बीच बीच में समस्या पहले से भी आ रहा था। कभी लेट हुआ है, कभी स्ट्राइक के वजह से, कभी कोर्ट बंद होने की वजह से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लापरवाही किया जाए केस के लिए। हमेशा से जब हमको घर रहना चाहिए था तो इसी केस के लिए हम इलाहाबाद में थे। तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को कि इस केस के लिए हम कितना दिल से लगे हैं और सच्चाई से लगे हैं। बाकी
आप लोग सही और गलत सब कुछ समझते हैं। इस जमाने में कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है। जितना संभव है हमेशा से ही प्रयास करते आ रहा हूँ। बस 3-4 दिन का और हमको समय चाहिए, लगभग 4-5 दिन जो भी लगे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में। और जैसे जैसे अस्पताल से हम छुट्टी पाते हैं उसके बाद फिर हम अपने कार्य पे लग जाएंगे। और रही बात कोर्ट की, जो भी समस्याएं हैं थोड़ा बहुत उसको सही होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इतना मैं वादा करता हूँ। और फाइनल बहस रही बात कोरोना, तो समस्या आप लोग जान ही रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई तहसील नहीं है कि इससे अछूता हो। तो हर जगह समस्याएं हैं और ये समस्याओं को लड़ते हुए भी हम फाइनल बहस के लिए हमेशा संघर्ष करते आ रहा हूं कि इस कोरोना महामारी में ही हम फाइनल बहस के लिए पूर्ण कोशिश किया हूं और कामयाब नहीं हुआ है। डेट लगा है, बहस नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, लेकिन प्रयास जारी रहता है और प्रयास करने वालों को सफलता मिलता है। और उसी का उदाहरण है कि हम लोग हमेशा से प्रयास करते आ रहे हैं और सफलता मिलता आ रहा है। तो बहुत जल्द फाइनल बहस करवा लिया जाएगा और थोड़ा सा हम हॉस्पिटल से राहत मिले हमको और उसके बाद हम फिर इलाहाबाद आके फिर कार्य को संभाल लेंगे। लेकिन इलाहाबाद में नहीं है तो इसके मतलब कार्य नहीं हो रहा है, ये नहीं। कार्य वहाँ हो रहा है, हमारे पंकज भाई वहाँ लगे हुए हैं। हमारे जूनियर अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता से हम 24 घंटा में एक बार तो कांटेक्ट कर ही लेते हैं। तो जो भी बातें हैं सब चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 दिन आप शांत रहिए। जो भी समस्याएं हैं किसी का, सारी समस्या का समाधान होगा और आप लोग खुद समझदार हैं। इसी शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।